Hello everyone and welcome back to our channel Traveling Kira and a very good morning from Sharjah. कल रात में हम Global Village से सीधे यहाँ आ गए थे और अब हम जा रहे हैं ब्रेकफास्ट के लिए. Planning to finally check out this last property of UAE and yes our trip ends. यहाँ पे हमारा trip खत्म हो रहा है. ये आज रात की हमारी flight है वापस बैंगलोर की, तो आज थोड़ा बहुत कुछ शारजा देखेंगे या कुछ दुबई में छूट गया है तो वो देखते हैं. बस उसके बाद निकल जाएंगे एयरपोर्ट के लिए. और ये एक फैमिली है जो स्विमिंग पूल में अमेजिंग से स्टंट्स कर रही है, तो शूट किए बिना मुझसे रहा नहीं गया. तो अब थोड़ा शारजा घूमने निकले हैं. कल रात में भी थोड़ा घूमा था बट शूट नहीं किया. सो दिस इज शारजा. एंड दिस इज द बीच जो हमारे होटल रूम से दिख रहा था. हाउ इज इट? तो बस अब कैब से थोड़ा सा व्यू देखते हुए शारजहाँ से हम रवाना हो गए टुवर्ड्स दुबई. ओके सो अभी हम आए हैं वर्ल्ड ट्रेड सेंटर्स बिकॉज ऐसे ही सामने हम देख सकते हैं म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर. और ये साइड में है अपार्टमेंट्स ऑफ वर्ल्ड ट्रेड सेंटर. सो दीज आर द अपार्टमेंट्स ऑफ वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जहाँ मैं 2014 में स्टे किया था. इट्स जस्ट नॉस्टैल्जिया. ये जो म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर है ये एक्चुअली एक एग्जीबिशन स्पेस है फॉर इनोवेटिव एंड फ्यूचरिस्टिक आइडियोलॉजीज. और आज हमारे पास टाइम ज़रा कम था इसलिए हमने इसको अंदर से एक्सप्लोर नहीं किया, लेकिन बाहर से देखा और एडमायर किया, कुछ फ़ोटोशूट्स किए. एंड प्रोबेबली नेक्स्ट टाइम हम ज़रूर इसे भी कवर करेंगे. अब यहाँ तक आए थे तो हम एग्जीबिशन सेंटर के अंदर भी आ गए और यहाँ पे डिस्प्ले थे ये कुछ रोबोटिक्स एंड इट वाज अ नाइस प्लेस. तो बस वी जस्ट रोम्ड अराउंड. यहाँ लंच के लिए आज हमने लेबनीज क्यूजीन को चुना अलॉन्ग विद द लेबनीज कॉफी. तो दुबई सिटी का ये हमारा लास्ट लंच था एंड वी मेक मोस्ट ऑफ इट. पूरा फील लेके हमने ये लंच किया. लास्ट टैक्सी होने वाली है दुबई की, राइट जतिन? वी गोना मिस दुबई. इस ट्रिप की तो लास्ट टैक्सी होगी दुबई की, नहीं फिर आएंगे कभी. सो वी हैव रीच्ड दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट और स्टार्ट करेंगे अरमानी से. ओह दिस सेंटर इज मूविंग, यू नो डिड यू सी Santa is moving. Wow. Yeah. Do you like it?
Oh, that's very cool. See, there is a squirrel also. So our last coffee in Dubai. तो हमने कर लिया है फ्लाइट बोर्ड और ये आ रहा है हमारे एयरक्राफ्ट में हमारा लगेज। और टेक ऑफ होते ही दिखा पाम का व्यू। आई थिंक जो बेस्ट व्यू है पाम का वो एयरक्राफ्ट से ही दिख सकता है, ऊंची से ऊंची बिल्डिंग से भी कहीं से ऐसा व्यू तो मिलना पॉसिबल नहीं है। सो वेलकम बैक टू इंडिया। और यहाँ बैंगलोर एयरपोर्ट पे हमें G20 समिट की तैयारियाँ देखने को मिली। सो दैट वॉज ऑल अबाउट आर दुबई ट्रिप। आई होप आपको हमारी ये सीरीज़ पसंद आई होगी एंड आई होप टू क्रिएट सम मोर एडवेंचरस ट्रैवल सीरीज़ इन द फ्यूचर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।